ऑडियो आ रहा है ना आप कुछ ऑडियो आ रही है टेस्टिंग हैप्पी होली सबसे पहले तो होली की ढेर सारी बधाई आपको थैंक यू आपको भी होली जब जब होली आती है या होली करीब आती है तो क्या कुछ जहन में आता है तारा क्या कुछ फील करती है तारा मैं बहुत एक्साइटेड फील करती हूँ क्योंकि होली आई थिंक दिवाली और होली सब हिंदुस्तानियों के लिए सबसे मतलब बेस्ट और मज़ेदार हॉलीडेज होते हैं एंड आई थिंक होली के टाइम पे जब मैं छोटी थी तो हम लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते थे लेकिन लास्ट टू ईयर्स थ्री मतलब दो साल से तो मैं नहीं खेल रही हूँ लेकिन उसके पहले भी आई थिंक नाउ आई बिकम मोर एनवायरमेंटली कॉन्शियस और ये सब तो हम लोग खेलते हैं लेकिन ऑर्गेनिक कलर्स के साथ या फिर ऐसे ही कुछ सेलिब्रेट करते हैं लेकिन बहुत पानी का वेस्टेज और ये सब कुछ उन सब चीज़ों में हम लोग नहीं पढ़ते हैं बट होली एंड दिवाली अगेन इट्स अ सेलिब्रेशन बट हम लोग तो हर रोज़ सेलिब्रेट करते हैं और बस एनी पर्टिकुलर रीज़न आपने बताया कि हम दो तीन सालों से नहीं खेलते हाँ एक्चुअली आई थिंक यही वजह है क्योंकि एनवायरमेंटली कॉन्शियस आप होते हो जब आपको ये समझ में आता है कि मतलब कि क्या क्या चीज़ें हैं जैसे दिवाली के टाइम पे सारे जो एनिमल्स होते हैं उनको बहुत डिस्टर्बेंस होता है या होली के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत मतलब ज़बरदस्त एलर्जीज होती है और पानी का वेस्टेज इतना होता है और लास्ट कपल ईयर्स में तो बहुत पानी का प्रॉब्लम हो रहा है हर जगह तो आई थिंक जस्ट बिकमिंग मोर अवेयर उस वजह से तो इस बार क्या कुछ कहने वाली है होली के दिन इस बार की होली आई थिंक हम लोग एक्चुअली हमारी टीम लव गेम्स हम लोग एक साथ रहेंगे तो काफ़ी मतलब खास होली होगी हम लोग सब वेट कर रहे हैं काफ़ी नर्वस है लेकिन हम लोग रिलीज़ के लिए वेट कर रहे हैं और बस हम लोग साथ में रहेंगे लेकिन अगेन वी विल मेक श्योर दैट वी वेरी एनवायरमेंटली कॉन्शियस दिस होली ओ गॉड बचपन की ऐसी होली अरे हम लोग बहुत मस्ती करते थे लेकिन हम लोग बुरी तरह से होली खेलते थे उस टाइम पे बीटरूट जूस और ये सब बहुत वेस्टेज करते थे हम लोग अंडे वंडे और ये सब कुछ ऑल दीज थिंग्स मुझे याद है कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है हम दोनों वाटर बलून्स बना के जैसे ये गुंडे होते हैं ना मतलब जो हाँ तो हम लोग वो करते थे वी यूज़ टू स्टैंड इन द बैल्कनी इन द हाउस मतलब सारे वाटर बलून्स के साथ और जो भी आते थे रोड पे वी यूज़ टू फोड़ो बाय द बलून्स ऑन देम इट वाज़ वेरी बैड बट या वी यूज़ टू डू ऑल दीज थिंग्स बट इस बार मतलब हम देख रहे हैं कि पानी की बहुत सारी प्रॉब्लम यस तो वो कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि हम सूखी बिल्कुल प्लीज़ हाँ सूखी हेली सूखी होली खेलो और जस्ट डू नॉट यूज़ वाटर दिस ईयर और ये आपके सामने कुछ कलर हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से वो कलर होते हैं जो तारा को बहुत पसंद है आई थिंक मैं दिखाऊंगी आपको सारे कलर्स ये कौन कौन से कलर हैं जो आपके काफ़ी आपका पसंद मुझे जी आई थिंक गुलाबी इज़ माई फेवरेट और हमेशा से आई थिंक आई बीन अ वेरी गुलाबी टाइप लवर तो हाँ जी और अगर मैं बात करूँ कि इस बार आपके बॉलीवुड में आपके कई सारे दोस्त हैं तो मेरे कई सारे दोस्त हैं बॉलीवुड में कौन है मेरे दोस्त बॉलीवुड में किसके साथ होली खेलना ज़्यादा पसंद करेंगे मैं अपनी टीम के साथ खेलूंगी लव गेम टीम के साथ खेलूंगी मैं वो मेरे दोस्त हैं बाकी मुझे नहीं पता कि नॉर्मली हम लोग जैसे मस्तराम के टाइम पे भी टीम हाँ पूरी टीम हम लोग गए थे होली खेलने और ये सब तो मैं अपनी टीम के साथ ही रहूंगी जी चलिए इसके अलावा अगर हम आपकी बात करें अगर लव गेम आपकी फिल्म जी लव गेम के बारे में अगर कुछ जानना चाहेंगे आपका कैरेक्टर क्या होगा मेरा किरदार लव गेम्स में अलीशा का किरदार निभा रही हूँ वो एक डॉक्टर है वो काफ़ी मतलब वो एक लाइट हसमुख लड़की नहीं है वो एक शादीशुदा औरत है जो एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में है और कैसे फिल्म के दौरान वो प्यार के थ्रू उसको अपनी अंदर की जो ताकत है वो वापस पाती है उसे प्यार के थ्रू और इस फिल्म में बेसिकली वो एक अगर मैं बहुत ही मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो वो
एक्चुअली इस फिल्म में एक सेक्स ऑब्जेक्ट है उसके पति के लिए भी, और सैम जिससे बाद में उसको प्यार होता है उसके लिए भी. वो उसको अप्रोच करता है गेम्स खेलने के लिए, बट वो उससे प्यार करने लगता है. तो आई थिंक ये बहुत ही रेलेवेंट फिल्म है, और ये किरदार जो है वो भी बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे वो डॉक्टर है, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने बल पे अपनी ज़िंदगी जी रही है, लेकिन फिर भी वो एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में है जहाँ से वो निकल नहीं पाती है जब तक उसको एक्सटर्नली वो मोटिवेशन नहीं मिलता है. तो आई थिंक ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में हैं या कठिन रिलेशनशिप्स में हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि वो उनसे मतलब नहीं निकल पाते हैं. जब तक उनको बाहर से कोई हेल्प ना मिले या कुछ मोटिवेशन ना मिले, तो आई थिंक इट्स अ वेरी रेलेवेंट फिल्म. लेकिन ऑफकोर्स इसमें टिटिलेशन भी है, इसमें एंटरटेनमेंट भी है, बट बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक्स पर मतलब ये तीन कैरेक्टर्स बहुत ही रेलेवेंट लोग हैं. ओवरऑल कैसा रहा इस फिल्म के साथ का एक्सपीरियंस शूटिंग का? बहुत ही अच्छा. हाँ जी, प्रमोशंस अभी अभी हमने शुरू की है. शूट के टाइम पे बहुत मज़ा आया. आई थिंक हम सब क्योंकि एक ही एज ग्रुप के थे, तो हम बहुत हैंग आउट करते थे उस टाइम पे. हमने केप टाउन में शूट की फिल्म, जो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, और विक्रम सर भी बहुत ही अच्छे मतलब इंसान भी हैं, इतने यू नो इंट्यूटिव और अच्छे डायरेक्टर हैं, और बहुत बहुत मज़ा आया. और मैं वेट कर रही हूँ 8 अप्रैल के लिए कि जब फिल्म रिलीज़ हो और ऑडियंस का रिस्पांस, मैं वेट कर रही हूँ उनका रिस्पांस सुनने के. इस फिल्म के लिए घर वालों का क्या रिएक्शन? आपके मामा भी हैं तो ट्रेलर उन्होंने देखा होगा, तो क्या कुछ उन्होंने उनका रिएक्शन? वो तो बहुत खुश थे एक्चुअली शुरुआत से ही, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है. आई थिंक बहुत सारे ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनको भट्ट यू नो विशेष उनके साथ 3 फिल्म डील चाहिए, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उनके साथ 3 फिल्म डील मिली है. और मेरी सारी जो फैमिली है, मम्मा, मासी, नानी, तीनों बहुत ही प्राउड फील करते हैं, और वो भी वेट कर रहे हैं 8 अप्रैल के लिए. तो आगे के दिनों में हम किस तरह का प्रमोशंस देखेंगे इस फिल्म के? जैसे मैंने कहा, हम लोग होली एक साथ खेल रहे हैं, और उसके अलावा हम लोग करेंगे जो हम हर फिल्म में करते हैं, रेडियो ये वो वगैरह सब. फाइनल लव गेम्स के जरिए आई थिंक अगर आपको एंटरटेनमेंट से और भी ज़्यादा कुछ चाहिए, तो आप हमारी फिल्म आके देखिए 8 अप्रैल को. 100% इसमें एंटरटेनमेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा भी कई चीज़ें हैं. एंड बस प्लीज़ कम एंड वॉच आवर फिल्म. थैंक यू. नहीं चाहिए एक बार वापस.
हो गया चलो Thank you. Come. Happy Holi. Hey, man. No.